पंजाब में कौमी असम्बली की कुल नशस्तें हैं 141। इन 141 में से पीपल्स पार्टी ने 11 पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और इस तरह पीपल्स पार्टी 130 नशस्तों के साथ मैदान में उतरी और इसे जीत नसीब हुई सिर्फ 6 नशस्तों पर। तो क्या बाकी 124 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी के साथ धांधली हुई? इस सवाल का जवाब हम अपनी इस वीडियो में तलाश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मुसलसल शोर मचा रखा है कि उसके साथ धांधली हुई है। धांधली के इस नारे को लेकर वो मौलाना फजल उर रहमान के आजादी मार्च में कंटेनर पर भी जा खड़े हुए। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, सिंध में कौमी असम्बली की ज्यादा नशस्तें भी इन्होंने ही जीती। जब वो धांधली की बात करते हैं तो इस बात का इशारा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की तरफ होता। तो आइए आपको दादो शुमार की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि पीपल्स पार्टी अपने धांधली के शोर में कितनी हक बजानी फिर। आइए जरा अदादो शुमार का जायजा लेकर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर एक नजर डालते हैं। 124 में से 107 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान वोटों का फर्क 50,000 से ज्यादा था और इनमें से 49 से ज्यादा उम्मीदवार तो 1,00,000 वोटों के फर्क से हारे। यानी इन्होंने इलेक्शन लड़ने का तो सिर्फ तकल्लुफ ही किया, मुकाबले में दूर दूर तक नजर ना आए। इन 107 उम्मीदवारों को 124 में से निकाल दें तो बाकी सिर्फ 17 उम्मीदवार बचते हैं जिन्होंने इंतखाब में थोड़े बहुत मसल्स दिखाए। हैरत यह है कि इन अदादो शुमार के साथ भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। किस्सा अभी यही तमाम ना हुआ, दिलचस्प अदादो शुमार तो अभी आपको बताना बाकी है। पंजाब में 130 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के 68 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 10,000 वोट भी ना ले सके। इनमें से 58 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 वोट भी हासिल ना किए और इनमें से भी 37 ऐसे थे जो बेचारे 3,000 वोटों को भी टच ना कर सके। अब आपके लिए ये सवाल भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि 124 में से पीपल्स पार्टी के कितने उम्मीदवार अपनी जमानतें बचाने में कामयाब हुए। तो जनाब ये फिगर भी मुजहका केस है। पीपल्स पार्टी के 124 में से सिर्फ 7 उम्मीदवार अपनी जमानतें बचाने में कामयाब हुए, 117 उम्मीदवार तो अपनी जमानतें भी ना बचा सके। बाकी जमानतें बचाने वालों में झंग से मखदूम फैसल सोले हयात, मुल्तान से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, मुल्तान ही की 2 सीटों से यूसुफ रजा गिलानी, बहावल नगर से मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, रहीमिया खान से मखदूम शहाबुद्दीन और मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद दाऊद खान वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपनी जमानतें बचाई। ये अदादोशुमार एक शानदार माजी रखने वाली बड़ी पार्टी के लिए शर्मनाक है। पीपल्स पार्टी इन अदादोशुमार के साथ भी ये दावा कर रही है कि उसके साथ धांधली हो गई। ये बात गैर मंतकी मालूम होती है कि धांधली की वजह से एक पार्टी की 117 नशिस्तों पर जमानतें जब्त हो गई और 58 सीटों पर 5,000 वोट भी ना आए। धांधली धांधली का शोर मचाने वाली पीपल्स पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर पंजाब में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए संजीदा इकदाम करने होंगे।